गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th ऑफ अगस्त 2022। डेस्पाइट इंडियन मार्केट क्लोज्ड दैट इज ड्यू टू मुहर्रम, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स आर ओपन। सो आइए देखते हैं कि कल एक्टिविटीज क्या क्या हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.37। आपका रिसेंट जो लो आया था करीबन 105 के आसपास, और इसी जोन पे ये जो हमारा ऑलरेडी मार्क किया हुआ जोन है उसी जोन पे ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का कोशिश किया है। जो हमारा नेक्स्ट एनालिसिस था कि हमें देखना था कि पहला कि ये सेंटर वन में रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं, और अगर ले रहा है तो उसके बाद ये स्विंग लो को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड है कि ये जो स्विंग हाई है एक जोन है दैट इज आपका 107 से 107.40, तो इस जोन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है रेस्पेक्ट तो उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये चौपी बिहेवियर करेगा, और रेस्पेक्ट करता है तो वेल एंड गुड। तो हमने अभी देखा है कि कल एक छोटा स्पिनिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म हुआ है जिसका इंडिकेशन यही है कि एज ऑफ नाउ ये जो बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड है वहां पे ये रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो आपका 104 105 के आसपास का जो लो है उसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है देन ये आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करेगा। तो हमें अभी देखना है कि उसी मॉड्यूल पे कि ये लो तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, एंड इन केस अगर नहीं तोड़ता है तो पहला है कि सेंटर बैंड को रेजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रेजिस्ट नहीं करता है तो ये जो स्विंग हाई है इसको तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। तो ये हमारा 3 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ऑन डॉलर इंडेक्स पर। डॉलर रुपी में हम देखेंगे, डॉलर रुपी में कल एक अच्छा खासा बुलिश बायस देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 79.35 ऑन द लोअर साइड एंड 79.65 ऑन द हायर साइड। दैट बीइंग द केस अभी का जो करंट लोकेशन है वो है सेंटर बैंड, व्हाट इट मींस अभी। लेकिन आज हमारा इंडियन मार्केट क्लोज है तो ज्यादा कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव में ज्यादा कुछ मूवमेंट होगा नहीं। व्हाट एवर ग्लोबल मूवमेंट्स होगा दैट इज रिलेटेड टू विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी। तो हमारा जो 4th ऑगस्ट का हाई है दैट इज बिकमिंग ए स्ट्रेटेजिक लेवल। व्हाट इट मींस बाय द स्ट्रेटेजिक लेवल, इसके हाई के ऊपर अगर आवरली बेसिस पे सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा वॉलिटिलिटी एंड मूवमेंट टुवर्ड्स 80.30 टू 80.60 की तरफ एक अपवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज दैट 4th ऑगस्ट के हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा एंड उसके ऊपर फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। लेकिन अभी सेंटर बैंड हमें देखना है कि सेंटर बैंड में ये रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये सेंटर बैंड में रेस्पेक्ट दे रहा है देन इट इज अ कैंडिडेट फॉर ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी। जो लोग अपना ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी सेटअप देखा नहीं है, रिक्वेस्ट ऑल टू गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच 2-3 वीडियोस आर देयर ऑन। फर्स्ट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड एंड उसके बाद लाइव मार्केट एनालिसिस, सम लाइव मार्केट कॉल्स भी था ये सेटअप के ऊपर एंड हाउ द मार्केट बिहेव इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, वो हमने वहां पे ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड में डिस्कस किया है। तो आप वो 2-3 वीडियो होंगे, वो 2-3 वीडियो का आप देख लीजिए। पहला बेसिक वीडियो, सेकेंड है आपका हाउ उस ट्रेड को सेटअप बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अभी ये अगर रेस्पेक्ट करता है एंड 4 आवरली बेसिस पे हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक किया जाता है, इन सच ए केस हम आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने बनाया है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज दे देता है देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट इज अगेन हेडिंग टुवर्ड्स आपका लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड। लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड क्या है आपका 78.80 से 78.90 के आसपास, तो हमें ये देखना होगा डॉलर रुपए में। अगर जीबीपी डॉलर हम देखते हैं, जीबीपी डॉलर में कल एक छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एंड इट्स इनसाइड वन टू आपका 5th अगस्त वाला कैंडल।
अभी 5 अगस्त के कैंडल के लो के नीचे एक सेलिंग कंटिन्यू एक्सपेक्ट हो सकता है, एंड अबव द हाई हम थोड़ा सा अगेन रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 122.70 से 123 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि ये डेली बेसिस पे सेंटर बैंड के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए, एंड क्लोज देने के बाद उसके लो के नीचे फॉलो थ्रू नहीं होना चाहिए। अगर लो हो जाएगा देन अगेन द जीबीपी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.18, और अगर समहाउ इट इज एबल टू सस्टेन अबव द सेंटर बैंड देन देयर आर हायर चांसेस कि अगेन दोबारा ये 122.75 एक्सक्यूज मी 122.75 से 123 के तरफ एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर पे भी वही है कि सेंटर बैंड के नीचे सस्टेन क्लोज देना नहीं चाहिए एंड उसके नीचे सस्टेन करना नहीं चाहिए, एंड अंडर दैट कंडीशन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि अगेन ये 97 की तरफ जा सकते हैं। अगर ये क्लोज सेंटर बैंड के नीचे दे देता है एंड बेसिकली समव्हाट 95-50 के नीचे अगर सस्टेन क्लोज दे देता है देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि अगेन ये 94-94.50 की तरफ जा सकता है। यूरो डॉलर में हम अगर देखेंगे यहाँ पर भी छोटा बॉडी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, एंड उसके बाद 5 अगस्त का एक मदर कैंडल के अंदर में इनसाइडवर्ड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम कैंडल का कंजेशंस देखेंगे या कंसोलिडेशंस देखेंगे तो ये आपका है ऑन द लोअर साइड 1.01 एंड ऑन द हायर साइड 1.026070। इस रेंज में ही थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन करना चाहिए एंड उसके बाद एक ट्रिगर के बाद एक आइडर डायरेक्शन मूवमेंट्स हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि सपोर्ट, ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट नीचे की तरफ ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है। दैट बीइंग द केस अगर ये हाई के ऊपर चला जाता है दैट मींस 1.03 के ऊपर सस्टेन करता है तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की इट इज मूविंग टुवर्ड्स 1.04 के तरफ एज द फर्स्ट टारगेट, देन द सेकंड टारगेट इज 1.047525 एंड द थर्ड टारगेट विल बी एट 1.05 1.06। तो आपका ये कंसोलिडेशन के बाहर जाना चाहिए तभी जाके एक मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये कंसोलिडेशन के अंदर में रहेगा तब तक दोनों तरफ आपका लॉन्ग भी कटवाएगा और शॉर्ट भी कटवाएगा। यूरो आयनर अगर हम देखेंगे, यूरो आयनर डेली बेसिस में कल एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखा था, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द डॉलर रुपी इंपैक्ट। तो अभी यहाँ पर भी हमने जो 2 अगस्त 3 अगस्त का जो लास्ट वीक का जो मोमेंटम था उसमें हमने देखा कि ये फिर डबल बॉटम यानी यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस आपका ऑन द हायर साइड 82.20 एंड ऑन द लोअर साइड आपका 79.75, इसके बीच में ही थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट, हालांकि रेंज काफी बड़ा हो गया लेकिन इसके बीच बीच में ही अंदर में ही एक कंसोलिडेशन करने का कोशिश करेगा। इसका एक्सपेक्टेशन इसीलिए है कि आपका यूरो अगर ऊपर जाएगा, यूरो अगेंस्ट डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो डॉलर भी थोड़ा सॉफ्ट होने का कोई एक्सपेक्टेशन है एंड देयर बाई न्यूट्रलाइजिंग द यूरो डॉलर स्ट्रेंथ इम्पैक्ट इन यूरो आईएनएफ करेंसी। डॉलर येन अगर हम देखेंगे, डॉलर येन का भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन से हमें ये देखना है कि ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है, दैट इज व्हाट आवर प्रीवियस एनालिसिस वाज। एंड अभी अगर देखेंगे कल एक छोटा बॉडी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है सम सॉर्ट ऑफ डोजी एंड एंड आल्सो ट्राइंग टू रेस्पेक्ट द सेंटर बैंड। अगर ये सेंटर बैंड को रेस्पेक्ट करता है देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि अगेन ये 131 की तरफ आ सकता है, एंड वहां पे जाने के बाद ये हमें ये देखना है कि 131 फिर दोबारा सपोर्ट लेता है या ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करता है देन द नेक्स्ट सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी टुवर्ड्स 126, एंड अगर ये सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज दे देता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपका चौपिनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन एनी केस आपका 137.6070 को ऊपर क्लोज देना ना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ये स्विंग हाई बनाया। तो बेसिकली हम अभी यहाँ पे स्विंग को लोअर हाई लोअर लो स्विंग को हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर होगा तो बहुत बढ़िया है और नहीं होगा तो एज मार्केट डिक्टेट्स मार्केट को वी शुड रेस्पेक्ट द मार्केट। येन आईएनआर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा बॉडी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखने वाला बात यही है कि आपका ये सेंटर बैंड सिमिलर टाइप ऑफ एनालिसिस इन ऑल करेंसी पेयर्स वही लग रहा है, ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए। देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि अगेन ये आपका ये जो जहां से आपका प्राइस रिजेक्शन हुआ था वहां की तरफ यानी 0.60 के तरफ एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं।
डॉलर कैंडी हम देखेंगे, डॉलर कैंडी में क्या हुआ है, ये सेंटर बैंड को ऊपर की तरफ तो रहा है लेकिन उसको ऊपर कंटिन्यू नहीं किया। दैट मीन द केस अभी दोबारा ये 1.2750 ऑन द लोअर साइड एंड आपका 1.30 टू बी ऑन द सेफर साइड, यानी 1.30 एंड 1.2750 इसके बीच में ही ऑन ए डेली बेसिस बोथ साइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर हम अगर देखेंगे, ऑसी डॉलर में कल एक अच्छा खासा बाउंस देखा गया, यहाँ पर भी वही हमारा एनालिसिस था कि ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए एंड ये सक्सेसफुली सपोर्ट लेके सेंटर बैंड में ये ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्ट प्रयास कर रहा है। दैट मीन द केस अभी हमारा ये है 0.7050, ये 0.0750 एक इनिशियल रेजिस्टेंस होगा जो ऑलरेडी पहले आपका 1 अगस्त 2 अगस्त को रेस्पेक्ट करके आया है, तो अभी फिर दोबारा ये देखना है कि ये यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है या बूम करके ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर बूम करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस आपका आएगा यहाँ पे, दैट इज 0.7230 से 0.7250 की तरफ, दैट विल बी द इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम डॉलर सीएनएच देखेंगे, डॉलर सीएनएच इतना कंसोलिडेट कर रहा है इंटरवीन करके प्राइस को, मींस चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट इट सीम्स दे आर मींस इंटरफेयरिंग मींस इंटरवीनिंग इन करेंसी मूवमेंट एंड ट्राइंग टू कीप इट मींस लो वोलेटाइल, लेकिन जितना ये कंसोलिडेशन करेगा उतना ही प्राइस मूवमेंट ब्रेकआउट होगा, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कब ब्रेकआउट देगा। और ये ब्रेकआउट का भी एक छोटा सा नगेट्स है, तो वहां पे हमें ये देखना है कि जब प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है तो आपको किस कलर का कैंडल ज्यादा दिख रहा है। आप अगर देखोगे ये मदर कैंडल आपका 14 जुलाई का मदर कैंडल है, उसके बाद आप बड़े बड़े ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल आप देखोगे तो आपका देखोगे 1 2 3 4 5 पांच ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल आया है बड़े, ये एक छोटा सा है 6, और रेड कैंडल आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रेजेंट नंबर ऑफ रेड कैंडल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज। क्या हो सकता है कि मे बी द मींस एक्सपेक्टेशंस ये होगा तो ब्रेक डाउन नीचे की तरफ ये जो रेंज के बाद, तो लेकिन उसके लिए हमें एक एक्सपेक्ट मींस इंतजार करना पड़ेगा ये कंसोलिडेशन से बाहर होने के लिए। अगर हम ब्रेंट ऑयल देखेंगे, ब्रेंट ऑयल जो ये ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू बढ़िया सा नहीं दे रहा है, दैट इज ओके, जब तक ये आपका 9750 एंड 9875 ये रेंज जोन को रेस्पेक्ट करता है, उनको अगर ये नीचे की तरफ आता है तब ये तब तक ये अच्छा है, मींस आपका क्या बोलते हैं इसको, देर आर पॉसिबिलिटीज की थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। अभी हमें वही यहाँ से हमें देखना है कि ये लोअर है, लोअर लो कंटिन्यू करता है या नहीं करता है, बिकॉज देर आर वन पॉसिबिलिटी की ब्रेंट ऑयल इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.70 सॉरी 70 से 71 डॉलर की तरफ जाने का एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके लिए एक्सपेक्टेशन में प्राइस रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये लो जो ब्रेक किया उसके बाद कंटिन्यू फॉलो थ्रू देना चाहिए, तो इसको और थोड़ा हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा ब्रेंट ऑयल को। एंड यूएस 10 ईयर ट्रेजरी हम अगर देखेंगे, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में ये आपका 2 अगस्त का एक अच्छा खासा ऊपर गया था एंड उसके बाद आपका ये एनएफपी के दिन 5 अगस्त को एक अपवर्ड मोमेंटम दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कल एक यहाँ पे ये जो हमने एक लाइन खींचा हुआ था वहां पे रेस्पेक्ट किया, इसके नीचे यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देके आपका कल नीचे की तरफ आया है एंड इसका दो लोकेशन है, एक है ये स्विंग हाई, दूसरा वाला है बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड, तो दैट इज ए गुड साइन। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस यानी अगर ये इसके ऊपर अगर नहीं जाता, व्हाट इज इसका इसका मतलब 2.87, 2.87 के ऊपर अगर क्लोज नहीं दे देता है देन देयर आर ब्राइट चांसेस कि अगेन ये लो के तरफ टेस्ट करेगा, लो दैट इज टुवर्ड्स 2.5352 के तरफ आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा, उसके बाद अगर ब्रेक करता है लो देन आपका 2.36 के तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डेली करेंसी एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही, आप लोगों को अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
एंड अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो दोज गाइज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो। आपका आज का जो ये इंडियन हॉलीडेज है, तो ये हॉलीडेज आपको मीन्स आप रेस्ट एंड रिकुपरेशन कीजिए, आपका फिजिकल मीन्स एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिए, मेंटल एनर्जी को भी री एनर्जाइज कीजिए, मीन्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली एज वेल एज विथ योर क्लोज फ्रेंड्स, ताकि कल से फिर दोबारा जो वार है, ट्रेडिंग इज ए वॉर, तो उस वार में आप फुल एनर्जी के साथ आप पार्टिसिपेट कर सके। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।